अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम डॉक्टर मैर है और मैं जिस शोबे से ताल्लुक़ रखता हूँ उसमें सबसे जो अहम चीज़ इम्पॉर्टेंट है वो है ट्रस्ट। ठीक है, अगर पेशेंट डॉक्टर पे ट्रस्ट नहीं करेगा तो वो कभी भी ठीक नहीं होगा। ठीक है, हमारा मेडिकल का जो पूरा शोबा है उसकी जो पूरी डॉक्टर्स की रिस्पेक्ट है वो बेस्ड ही ट्रस्ट के ऊपर है। ठीक है, लेकिन इसके बावजूद, इतनी कंपेन्स, इतना सब कुछ करने के बावजूद, अगर आप देखें तो डॉक्टर्स पाकिस्तान के अंदर से पोलियो नहीं ख़त्म कर पा रहे। ठीक है, अब इसके पीछे ना एक बहुत बड़ा रीज़न है। सही है, मैं आपको समझाता हूँ क्यों। देखिए, मिसट्रस्ट जो होता है ना वो बहुत ख़तरनाक चीज़ होती है। ठीक है, अब जैसे कि आपको पता है कि जब उसामा बिन लादेन को अमेरिका की CIA ढूंढ रही थी तो उसने कंफर्म करने के लिए पोलियो वर्कर्स भेजे थे। ठीक है ना, यानी फेक पोलियो कम्पेन्स की थी। अब उस फेक पोलियो कम्पेन का नुकसान ये हुआ है के लोगों के दरमियान ने पोलियो के मुतालिक मिसट्रस्ट आ गए। ठीक है, ख़ास तौर पे अगर आप देखें KPK की तरफ तो बहुत से उलमा इकराम जो हैं वो इस चीज़ के ख़िलाफ़ हैं कि पोलियो की वैक्सीन नहीं पिलानी चाहिए। ठीक है, और इसमें कसूर किसका है? गवर्नमेंट का है। ठीक है, कि उन्होंने एक मिसट्रस्ट पैदा किया। ठीक है, कि एक चीज़ जो कि इतनी जेन्युइन है, इतना सब कुछ है, ठीक है, लोगों को मालूम था पोलियो के मुतालिक, दवाइयाँ भी पिलाते थे, सब कुछ, इसके बावजूद गवर्नमेंट ने जो और CIA वालों ने जो ये हरकत की उसकी वजह से क्या हुआ कि लोगों के अंदर मिसट्रस्ट आ गया। अब लोग पोलियो पिलाते हुए डरते हैं। ठीक है, सेकंड, अभी आपने रिसेंटली एक न्यूज़ सुनी होगी कि जो तालिबान है उन्होंने पोलियो वैक्सीन अफगानिस्तान में पिलाने से मना कर दिया है। यस, मना कर दिया है। ठीक है, और उसके पीछे जो बहुत बड़ा रीज़न है वो यही रीज़न है कि ऑब्वियस सी बात है, उसामा बिन लादेन को मारा है तो और पता नहीं क्या क्या चीज़ें जो हैं वो ये करते होंगे। तो द पॉइंट बीइंग कि एक मिसट्रस्ट, एक जो यकीन था, ठीक है, भरोसा था, वो तोड़ा गया। सही है, अब उस भरोसा तोड़ने की वजह से हुआ क्या कि लोगों ने पोलियो की वैक्सीन, जो सारी कैंपेन्स हैं वो फेल हो रही हैं। ठीक है, और इसी वजह से पाकिस्तान का पोलियो जो है वो ख़त्म नहीं हो पा रहा। पूरी दुनिया के अंदर कुछ ममालिक रह गए, पाकिस्तान भी उनमें से एक है। और ये बहुत ज़्यादा शर्मनाक बात है कि जब हम बाहर इंटरनेशनल ट्रैवल करते हैं, अपने मुल्क से बाहर जाते हैं, तो हम जो है वो लाइनों में लग लग के पोलियो के कतरे पी रहे होते हैं। ठीक है, और रीज़न मैंने आपको बताया। ठीक है ना, मिसट्रस्ट क्या है कि किसी चीज़ को, जेन्युइन चीज़ को जब आप गलत इस्तेमाल करते हैं तो लोगों का ट्रस्ट टूटता है, और जब भी मेडिकल के शोबे में ट्रस्ट टूटता है ना तो ये बहुत ज़्यादा नुकसान देता है।